शेरू रात को अपने घर लौट रहा था। उसका रास्ता एक घने अंधेरे जंगल से होकर गुजरता था। ऊंचे पेड़ों की डरावनी छायाएं चारों ओर थीं और उसके पैरों की आहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। शेरू रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने डर से इधर उधर देखा। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने झाड़ियों में एक चुड़ैल को खड़ा देखा जो उसे घूर रही थी। डर के मारे शेरू आंखों में आंसू लिए भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंज रही थी और वह तेजी से उसके पास आ रही थी। अचानक शेरू रुक गया और उसने एक मशाल जलाई। हिम्मत करके उसने मशाल को चुड़ैल की ओर फेंक दिया। आग की लपटों ने चुड़ैल को घेर लिया और एक तेज चीख के साथ वह अंधेरे में गायब हो गई। शेरू कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे घर की ओर लौट गया, उस डरावनी रात से सुरक्षित लेकिन थका हुआ। आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस तो YouTube पर देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी तो इस चैनल को ही देख लो। इसके 1.23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो सिर्फ और सिर्फ 119 है, यानी सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं। और इनकी वीडियोस देखें तो इसने सिर्फ 4 लॉन्ग वीडियोस अपलोड की हैं। और इनके व्यूज चेक करें, एक वीडियो पर तो 1.1 मिलियन व्यूज हैं। और अगर इनकी शॉर्ट वीडियोस देखें तो उन पर भी बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और मोस्ट पॉपुलर पर तो मिलियंस में ही व्यूज हैं। और अगर इनकी अर्निंग की बात की जाए तो दोस्तों ये 5.9K डॉलर्स मंथली अर्न कर रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए तक ये अर्न कर रहे हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सेम वीडियोस बनाना सिखाऊंगा। सो जो लोग न्यू चैनल बनाना चाहते हैं इनके लिए ये बेस्ट आइडिया है, इससे आप भी YouTube पर ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आपने स्किप किए बगैर देख लिया तो आप लोग भी इसी तरह की वीडियोस बनाना सीख जाएंगे। दोस्तों ये एक फेसलेस चैनल आइडिया है, अगर आप न्यू चैनल बनाना चाहते हैं तो इसी टॉपिक पर बनाएं, आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। सो चलो दोस्तों बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी स्टोरी के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है जनरेटिंग स्क्रिप्ट। इसके लिए मैं पहले की तरह चैट जीपीटी का ही यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट लिखूंगा और चैट जीपीटी को सेंड कर दूंगा। ये सेम प्रॉम्प्ट आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों चैट जीपीटी ने मुझे स्टोरी लिखकर दे दी है उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को लिखकर सेंड कर दिया है ताकि ये हमें इमेजेस जनरेट करवाने के लिए भी अकॉर्डिंग टू स्टोरी प्रॉम्प्ट्स दे दे। इसमें मैंने मेन कैरेक्टर के फीचर्स भी मेंशन किए हैं ताकि हमें सेम कैरेक्टर पर प्रॉम्प्ट मिले। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब दोस्तों देखो चैट जीपीटी ने हमें इमेजेस जनरेट करवाने के लिए भी प्रॉम्प्ट लिखकर सेंड कर दिया है। अब है हमारा सेकंड स्टेप जो कि है टेक्स्ट टू इमेज का, जिसमें हम इमेजेस जनरेट करवाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम प्ले स्टोर या फिर एप स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, मैंने पहले से ही डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने सबसे पहले साइन इन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे हम इस प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर इस डिस्क्रिप्शन पर टैप करेंगे और इस साइज वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से इसकी रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे। आप अगर लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये रेशियो पोर्ट्रेट पर टैप कर दूंगा। अब दोस्तों इस बॉक्स में हम अपना फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो मैं कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जनरेट पर टैप कर देंगे तो कुछ ही देर में हमें हमारी 4 इमेजेस मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और सेम कैरेक्टर्स की इमेजेस बनी हैं। अब इसको हम इस सेव वाले ऑप्शन पर टैप करके अपने फोन में सेव कर लेंगे। अब इसी तरह मैं सेकंड प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर लेता हूं और इसको भी यहां पर पेस्ट कर दूंगा। इसकी रेशियो अगेन चूज कर लेंगे और जनरेट पर टैप कर देंगे तो कुछ ही सेकंड्स में हमें अगेन 4 इमेजेस मिल जाएंगी। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमें सेम इमेजेस मिल गई हैं। इसी तरह मैंने बाकी की इमेजेस भी जनरेट करवा ली हैं। अब है दोस्तों हमारा थर्ड स्टेप जो कि है इमेज टू वीडियो। इसके लिए मैं गूगल पर जाकर सर्च करूंगा क्लिंग AI और इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लूंगा। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले साइन इन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर इन 3 डॉट्स पर टैप करके यहाँ से डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस ऑप्शन AI वीडियोस पर टैप करेंगे। अब दोस्तों हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इसकी रेशियो 9:16 सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है, एक टेक्स्ट टू वीडियो और दूसरा इमेज टू वीडियो। हम यहाँ पर इमेज टू वीडियो पर टैप कर देंगे और अब यहाँ पर इस क्लिक वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे और अपनी गैलरी से वो इमेज ले लेंगे जिसको हमने वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मैंने ले ली है। अब यहाँ पर नीचे इस प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स में कुछ लिख देंगे। मैं इस फर्स्ट वाले प्रॉम्प्ट में से कुछ लाइंस ले लेता हूँ जो कि हम इमेज में करवाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
अब दोस्तों यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपने 5 सेकंड्स की वीडियो बनानी है या फिर 10 सेकंड की। तो मैं 5 सेकंड की ही वीडियो बनाऊँ। इसके बाद इस नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर जनरेट पर टैप कर देंगे तो हमारी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ कि इस वेबसाइट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए वीडियो बनने में टाइम लग सकता है। तो देखो मेरी ये वीडियो बन गई है, इसको हम इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी वीडियो बनी है। इसी तरह मैं बाकी की वीडियोस भी बना लूंगा, इसमें टाइम लगता है। तो मैं यहाँ से इस इमेज को डिलीट करके नेक्स्ट इमेज ले लेता हूँ। इस बॉक्स में नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख दूंगा और अब नीचे इस जनरेट पर टैप कर देंगे तो ये भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह हम बाकी की भी सारी इमेज को वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। अब ये डाउनलोड हो रही है तो आप यहाँ पर वीडियोस बनाकर इस पेज को लीव कर दें। नेक्स्ट डे तक आप देखें तो सारी वीडियोस रेडी होंगी। एक या दो दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट्स फ्री में मिलते हैं। आप यहाँ पर 10 से 12 वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। अगर ज्यादा वीडियोस बनानी है तो आप डिफरेंट आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और आप वीडियोस बना सकते हैं। वैसे दोस्तों ये बहुत अच्छी वेबसाइट है वीडियो बनाने के लिए। अगर आपका चैनल ग्रो हो जाए और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ पर पेड वर्जन भी खरीद सकते हैं, जो कि ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट डे तक मेरी सारी वीडियोस बन गई हैं। अब फोर्थ स्टेप है टेक्स्ट टू वॉइस का। इसके लिए मैं ऑलवेज क्लिप जैम का यूज करूंगा। सो हम गूगल पर जाकर सर्च करेंगे क्लिप जैम और इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। गाइज आपने यहाँ पर सबसे पहले साइन इन कर लेना है। अब ऊपर इन 3 डॉट्स पर टैप करके डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ट्राई फॉर फ्री पर टैप कर देंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम इस थर्ड ऑप्शन टेक्स्ट टू स्पीच पर टैप कर देंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगेन हम इस ऑप्शन टेक्स्ट टू स्पीच पर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर राइट साइड पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है, हम यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर स्टोरी। अब यहाँ पर इस ऑप्शन के नीचे टैप करते जाएंगे तो लैंग्वेजेस आती जाएंगी। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखें, फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें इस वेबसाइट की समझ नहीं आती। तो देखो यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे वॉइस का ऑप्शन है, इसके लिए भी हम इस ड्रॉप डाउन पर टैप करेंगे और अगेन इस पॉइंट के नीचे टैप करते जाएंगे तो वॉइसेस आती जाएंगी, वो भी हम अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी चूज कर लेंगे, यानी कि हिंदी कैरेक्टर की वॉइस। अब देखो यहाँ पर वॉइस कैरेक्टर्स के नेम आ गए हैं, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, मेल या फिर फीमेल की। मैं ये वाली वॉइस ले लेता हूँ। अब दोस्तों इस बॉक्स में हम अपनी स्टोरी हमने जो चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, मैंने कर दिया है। अब इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे तो कुछ ही सेकंड्स में हमारी वॉइस बन जाएगी। अब हम ऊपर इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से 720 पिक्सल्स ले लेंगे तो देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर टैप कर देंगे तो ये आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब दोस्तों फिफ्थ स्टेप है वीडियो एडिटिंग का। इसके लिए मैं हमेशा इनशॉट ऐप का यूज़ करता हूँ, तो मैंने अपने फ़ोन में इनशॉट ऐप को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम वीडियो पर टैप करेंगे, देन यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर टैप करके जो वीडियो हमने AI से जनरेट करवाई हैं उन्हें अपनी टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस कैनवास वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से इसकी रेशियो 9:16 ले लेंगे क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे ताकि ये वाटरमार्क यहाँ से हट जाए, या फिर आप अपने चैनल का लोगो भी इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जूम इन कर लिया है। अब दोस्तों इस डबल टिक पर टैप करेंगे, देन यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पर टैप कर देंगे। अब दोस्तों हम अपनी वॉइस जो हमने AI से जनरेट करवाई थी इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसके लिए हम इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, देन यहाँ पर म्यूजिक और फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पर टैप कर देंगे और अपनी उस वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम इस वॉइस का वॉल्यूम यहाँ से फुल कर देंगे, इसके बाद इसको एडजस्ट कर देंगे। लाइक यहाँ पर जो भी खाली पार्ट होगा इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, देन यहाँ से ट्रिम कर लेंगे और फिर इस खाली पार्ट को डिलीट कर देंगे और बाकी की वॉइस को जोड़ते जाएंगे साथ साथ में। मैं सारी वॉइस को सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वॉइस सेट कर ली है। अब दोस्तों हम इन वीडियोस को अकॉर्डिंग टू वॉइस एडजस्ट कर लेंगे, यानी जहाँ पर वीडियो में गैर जरूरी पार्ट है इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे और फिर डिलीट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू आवर वॉइस क्लिप्स को ऐड करते जाएंगे। मैंने दोस्तों सारी वीडियोस को भी सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर टैप करके ट्रांजिशंस ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा फेड इन वगैरह का यूज़ होता है तो मैं कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारी ट्रांजिशंस भी हो गई हैं। अब लास्ट में हमने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। इसके लिए हम इस ऑडियो पर टैप करेंगे, देन म्यूजिक और फिर माई म्यूजिक में जाकर बैकग्राउंड साउंड ले लेंगे। अब पहले इसका वॉल्यूम कम कर देंगे तकरीबन 15 to 14 तक। और हाँ दोस्तों आप इसमें साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं।
अब हमारी वीडियो रेडी है तो हम इसको अपने फोन में सेव कर लेते हैं। इसके लिए हम ऊपर इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से 4K सेलेक्ट करेंगे और अगेन एक्सपोर्ट पर टैप कर देंगे तो हमारी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।